हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं, बालों में से सारी प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपने बालों में से रूसी की समस्या को दूर कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, घना कर सकते हैं, अपने बालों को काला कर सकते हैं, साथ ही अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं। ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा इजी रेमेडी है। आप इसको बहुत ही इजीली बना के रेडी कर सकते हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना है। 2 से 3 बार यूज करने के बाद ये आपके बालों को इतना अच्छा बना देगा, बहुत अच्छा बना देगा। अब बाल आपके लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मोटे और मजबूत भी हो जाएंगे। तो बिना किसी तरीके इस नुस्खे को बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। तो आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और आपको अदरक लेना है यानी कि जिंजर, अपने बालों के अकॉर्डिंग। उसे लेने के बाद आपको छोटे छोटे पीसेस में काट के उसका पेस्ट बना लेना है पानी डाल के। मैंने भी इसका पेस्ट बना लिया है और अब हम इसका रस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अदरक का रस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है बालों के लिए। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं जो बालों को मजबूती देते हैं, बालों को लंबा करते हैं, झड़ने से रोकते हैं, बालों की लंबाई बढ़ाते हैं, नए बाल उगाने में मदद करते हैं और बालों को काला करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रस निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। हमें यहाँ पे हाफ लेमन जूस ऐड करना है। फ्रेंड्स, नींबू का रस जो होता है वो बालों में से डैंड्रफ को दूर करता है, बालों में से खुजली की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही बालों में से सारी गंदगी को निकालने में भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और आपके बालों को लंबा करने में भी बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच जैतून का तेल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जैतून का तेल इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बालों में शाइनिंग लाएगा और बालों को मजबूत करने में भी ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है। फ्रेंड्स, आप इसको नहाने से पहले यूज कर सकते हैं अपने बालों में। 1 घंटे पहले आपको इसे यूज करना है। आपको बस इसको लेना है और अपने बालों की स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करना है। बालों की स्कैल्प में आपको मैनली इसको अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज भी करनी है। 5 मिनट तक आप जरूर मसाज कीजिए बालों की स्कैल्प में यानी कि जड़ों में। अच्छे से मसाज भी करने के बाद आप इसको अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए। पूरे बालों में अप्लाई करने के बाद 1 घंटा आपको इस अपने बालों में लगे रहने देना है। उसके बाद आप जब नहाने जाएंगे तब आप शैम्पू कर लीजिए अपने बालों में और अपने बालों को वॉश कर लीजिए। को कैसे ही पानी से आप वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद जब आप नहाकर निकलेंगे तब आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही ज्यादा कम टूटे हैं, साथ ही आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो गए हैं, शाइनिंग हो गए हैं, बालों में बहुत ज्यादा चमक आई है इसको यूज करने के बाद। और केवल हफ्ते में 3 बार इसको यूज करने के बाद आपको इतना अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। आप देखेंगे आपके बालों की लंबाई बढ़ी है, आपके बाल मजबूत हुए हैं, काले हो गए हैं, घने हो गए हैं और भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा। फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी आपको अमेजिंग वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसको तुरंत ही देख सके। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।